आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द रेशियो बिटवीन टू ए टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। उसने रेशियो दे रखा है, एक टू डिजिट नंबर है, दो अंकों की संख्या है, तो जब भी दो अंकों की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, पहले टेंथ डिजिट लेते हैं और एक यूनिट डिजिट लेते हैं। सो लेट द यूनिट्स डिजिट इज, यूनिट्स डिजिट इज बी एंड टेंथ डिजिट इज ए। तो अगर जैसे ही ऐसा है, अगर यूनिट डिजिट मालूम चल गया, टेंथ डिजिट मालूम चल गया, तो नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर इक्वल टू 10a+b। ऐसे तो हम लिखते हैं, क्योंकि जो टेंथ डिजिट है उसमें क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई, और जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा एक एक्चुअल नंबर होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है दो अंकों की संख्या का। तीन अंकों की संख्या होती तो 100a+10b+c, इस तरह से जो जो जिस प्लेस पे होता है उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से हम जनरल नंबर निकालते हैं। तो ये हो गया 10a+b। उसके बाद उसने क्या दे रखा है आगे, कि इनका रेशियो क्या है, 4:1। किसका किसका रेशियो दे रखा है उसने पहली कंडीशन में, कि जो नंबर है 10a+b है, और एंड द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है, ए और बी है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, a+b। तो इनका उसने रेशियो दे रखा है 4:1 का। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 10a+b इक्वल टू 4a+4b। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 10a में से 4a गया 6a, और b में से 4b गया, ये हो जाएगा इक्वल टू 4b में से b गया, कितना बचा ये 3b, तो 6a इक्वल टू कितना आ गया 3b। अब आगे कंडीशन जो दे रखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे उसने क्या दे रखा है दूसरे कंडीशन में, कि इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन। तो इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट बी है, तो बी की वैल्यू जो दी हुई है, उसने बोला टेंस डिजिट की प्लेस में जो नंबर है उससे 3 ज्यादा है, 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो यहाँ से बी की वैल्यू उसने दे रखा है बी इक्वल टू a+3। तो बस क्या करना है, इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे रख देना है, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा 6a इक्वल टू 3, बी की जगह पर a+3, ये आ जाएगा 3a+9, 6a, 3 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 3a इक्वल टू 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जैसे a की वैल्यू निकली, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b इक्वल टू 3+3, b की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास नंबर क्या था, 10a+b, मतलब 36 हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। हमको देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना था। सो देन द नंबर इज, नंबर कितना निकला हमारा 36। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें सी दे रखा है 36। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।